तो भावलोग वेनम 3 द लास्ट डांस ढेर सारे सरप्राइजेस प्रॉमिस कर रहा है। हालांकि ट्रेलर ने इतने क्लू दे दिया है कि सभी लोग थ्योरी बना बना के मरे जा रहे हैं, और इसी के साथ ढेर सारे स्पॉइलर पार्ट भी रिवील कर डाला है। तो हम भी कुछ एसएसयू यूनिवर्स एंड स्पाइडरमैन नो वे होम एंड प्रीवियस पार्ट ऑफ वेनम लेट देयर बी कार्नेज एंड वेनम द लास्ट डांस का कुछ बंच ऑफ ट्रेलर के साथ बहुत कुछ गुत्थियां लाए हैं, जिनकी बातें अभी हम सब मिलकर करने वाले हैं। और ये वीडियो आपको वेनम द लास्ट डांस मूवी को समझने में बहुत हेल्प करेगी। तो थोड़ा संयम बना के रखना, जादुई पिटारा बस खुलने ही वाला है। बाकी वेनम 3 को समझने के लिए बाबा वेनम फर्स्ट एंड वेनम सेकंड तो देखनी पड़ेगी, नेसेसरी है। चलो शुरू करते हैं बाबा। पहले ब्रीफली वेनम का ओरिजिन समझ लेते हैं, ओरिजिन इसकी फर्स्ट मूवी से। तो एडी ब्रॉक नाम का बंदा जो रिपोर्टर है और काफी चुल्ल रहती है उसके पिछवाड़े में, और एक ऐसी लैब में वो घुस जाता है जहां सिम्बियोट का टेस्ट चलता होता है उसके लिए, मतलब होस्ट ढूंढने के लिए। और वहां वेनम एडी ब्रॉक से मिलता है, एंड उसके बाद पूरी मूवी में वेनम तरह तरह की कलाबाजी दिखाकर हम सबको खूब खुश करता है, एंटरटेन करता है। इसी के साथ वेनम अपनी पास्ट हिस्ट्री फर्स्ट पार्ट में बताता है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ था कहां से नहीं, यानी उसके बाप के बारे में बताता है, उसका क्रिएटर के बारे में बताया, सीधी सी बात नल के बारे में बताता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है बट कैद है। तो बाबा जिसने वेनम फर्स्ट मूवी देखी है उसको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, आपने नहीं देखी है तो जाओ देखो जरूर बाबा, क्योंकि ये वेनम 3 बहुत ही धांसू मूवी होने वाली है। फर्स्ट पार्ट तो देख करके समझना पड़ेगा। देन चलते हैं सेकंड पार्ट पर वेनम के, वेनम लेट देयर बी कार्नेज में, जहां हम देखते हैं कि एडी के पिछवाड़े में फिर से चोटती है और वो जेल में जाता है ऐसे साइको एंड सैवेज विलेन से मिलने, यानी वुडी हैरेलसन जो कार्नेज का रोल प्ले करता है, और वो एडी का हाथ काट लेता है, कुछ वेनम का टाइनी पार्ट चूस लेता है। देन हमें पता चलता है कि वुडी हैरेलसन लाल वाला वेनम है, यानी कार्नेज, जो वेनम से भी पावरफुल है क्योंकि वो एक मर्सिनरी वॉरियर सिम्बियोट था, था जो भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन एडी एंड वेनम मिलकर इसको भी पेल देते हैं, वेनम कार्नेज को खा जाता है और उसका दी एंड। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से जो ड्राइव होता है वो है पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां वेनम एमसीयू यूनिवर्स में जाकर स्पाइडरमैन के बारे में जानता है, यानी टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन बाबा उसके बारे में जानता है। तो बाबा जिसने भी सेकेंड पार्ट देखा है तो उसको भी ये बातें समझ में आ रही होंगी, और मस्ट है ये वाला पार्ट देखना, तो बहुत ही जरूरी है तभी वेनम 3 समझ में आएगी। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखा है स्किप कर सकते हो, लेकिन सेकंड पार्ट जरूर देख लेना है इस पार्ट को समझने के लिए। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इस मूवी के बाद सभी लोग अपनी अपनी थ्योरी सेट करने लगे कि बाबा स्पाइडरमैन एंड वेनम एक साथ आने वाले हैं क्या, और वही हल्ला वेनम 3 के टाइम पर भी चला जब ये ट्रेलर आने लगा, इसकी बातें चलने लगी कि क्या स्पाइडी बाबा हमें वेनम द लास्ट डांस में दिखेंगे। तो द आंसर इज नो नो नो। भाई मत रखो उम्मीद, मत फंसो इनके झांसे में, इन लोगों को हमारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, कदर नहीं है, क्यों ही एक्सपेक्ट करते हो इन जालिमों से, ये नहीं लाने वाले हैं हम एक साथ स्पाइडरमैन एंड वेनम को। भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी स्पाइडरमैन नो वे होम की बात कर लेते हैं। चलो पूरी मूवी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, खैर देखी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखी ही होगी बहुत लोगों ने। तो बाबा यहाँ आया था एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ वेनम एक बार में होता है और वो हल्क आयरन मैन थैनोस एंड स्पाइडरमैन के बारे में बात करता है और पॉइंट करके स्पेसिफाई करता है कि बाबा स्पाइडरमैन से मिलना तो पड़ेगा। तब हमें पता चलता है कि ये जो फिर से एमसीयू यूनिवर्स में अपना वेनम चला गया था, जहाँ फिर से हमें होप दे दी जाती है कि शायद फिर से स्पाइडरमैन एंड वेनम हमें साथ में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन बाबा वहाँ पर गलती ये हुई, वेनम ने उस बार में अपना छोटा सा अंश छोड़ दिया था जिसको ट्रेलर में एड्रेस किया गया है। एक आर्मी सोल्जर वेनम के उस छोटे से अंश को टेस्ट ट्यूब में कैद कर लेता है, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बनाएगा समझे, इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है वेनम को ऐसे जीनोफेजेस क्रिएचर्स के हाथ लगने से जो हमें एक्चुअली ट्रेलर में दिख रहे हैं बार बार। तो बाबा अब ट्रेलर के हिडन डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली 2-3 गुत्थियाँ आई हैं नई नई मेकर की तरफ से, तो उनको भी समझ लेते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले बाबा वेनम सेकंड लेट देयर बी कार्नेज जो वाला पार्ट था उसका पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देख लेना, देन उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देख लेना, ये सारी बातें वहां पर हैं तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, शायद ऐसा कुछ एंगल हमें वेनम 3 में देखने को मिल जाए तो वो कनेक्शन सेट बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबा, ये जो ट्रेलर है तो बाबा ये तो ट्रेलर में ही बार बार बताया जा रहा है कि जो वेनम और एडी के पास है यानी एक एक्स कोड, वो एक ऐसी चाबी है जो वेनम के सिम्बियोट गॉड को आज़ाद करने में हेल्प करेगा।
वो कौन है? नल। और बाबा नल की बात हमने पहले भी दो वीडियो में कर रखी है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ तुम्हें थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा जरूर, क्योंकि आप उन वीडियो को नहीं देखोगे, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। सिम्बियोट गॉड है ये सब जानते हैं, जिसने वैनम जैसे बहुत से सिम्बियोट को बनाया था, है सॉरी बनाया है। और ये बंदा जब दुनिया का निर्माण भी नहीं हुआ था तब से एग्जिस्ट करता है, मतलब ये एक्चुअली डार्क लॉर्ड है। सौरन और मॉर्गोथ वाला नहीं है, ये अलग वाला लॉर्ड, डार्क लॉर्ड है, क्योंकि अंधेरे में ही इसका वास रहता है और अंधेरे से ही इसकी पावर बनती है। और इसी अंधेरे को नल से छीना जा रहा था, यानी सेलेस्टियल प्रकाश डालकर जब दुनिया का निर्माण कर रहे थे तब इनका पंगा नल से हुआ, और तब नल ने एक ऐसी पावरफुल तलवार बनाई जिसका नाम नेक्रोस्वॉर्ड रखा गया। अच्छा, नाम सुना सुना लग रहा है? हाँ, डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर में गॉर द गॉड बुचर को सबने देखा होगा। वो जिस तलवार का इस्तेमाल करता है वो अपने नल भाई की ही तलवार है, जो गलती से उसके हाथ लग गई थी, और इस तलवार से नल भाई ने सेलेस्टियल की मुंडी भी उड़ाई थी। वो पावरफुल सेलेस्टियल जिनमें कॉस्मिक एनर्जी का वास होता है, तो तुम समझ सकते हो नल कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड नाउ सडनली यू रियलाइजेस कि बाबा ये वैनम को तो चुटकी में मसल देगा। यस, मसल देता है अगर कॉमिक की बात करें तब, बट इस मूवी में द लास्ट डांस में नल की कलाबाजी हमें देखने को नहीं मिल पाएगी उतनी ज़्यादा, क्योंकि प्रॉमिस करा जा रहा है कि नल का रोल बहुत कम होने वाला है, यानी ऊँट के मुँह में जीरा वाला हिसाब होने वाला है। माने मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल सकता है, या फिर बीच में एक दो मिनट के लिए इंट्रो टाइप में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा उम्मीद मत करना है इस वाले पार्ट से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा फिर ट्रेलर में वैनम किससे भागता फिर रहा है और एक्चुअली उसे पकड़ने कौन आ रहा है, मतलब कौन वैनम को घोड़ी बनाना चाहता है? तो फिलहाल यहाँ कॉमिक का ज्ञान की बात कर लेते हैं, कॉमिक के ज्ञान की भी मदद लगेगी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। तो बाबा वैनम को फिलहाल दो पार्टी जिंदा पकड़ना चाहती है, जिसमें से ये जीनोफेजेस देखने को मिल रहे होंगे। इन्हें तो ये जिंदा चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, क्योंकि नल को आज़ाद करने के लिए जो की है वैनम, वही मदद कर पाएगा इसकी। अच्छा, कैद कहाँ है ये तो बताया ही नहीं है। तो बाबा लोग नल को इसी के सारे बच्चे यानी सिम्बियोट, इसी के सारे सिम्बियोट्स ने कैद कर रखा है क्लिंटार प्लैनेट पर, और इसी वजह से ये यूनिवर्स नल की तबाही से बचा भी पड़ा है इन सिम्बियोट की मदद से, वरना अगर नल अभी तक बाहर होता तो ये सबकी धज्जियाँ उड़ा के रख देता। और अब नल का होना है आज़ाद। ये स्टोरी वैनम 3 में एड्रेस होने वाली है, लेकिन दूसरा ये आर्मी स्क्वाड कौन है जो वैनम के पीछे पड़ा है? तो बाबा सूत्रों से पता चला है कि च्वेटल इजियोफॉर, हाँ यही है भाई, बड़ा अजीब सा नाम है। इसने रैक्स स्ट्रिकलैंड का रोल प्ले करने वाला है ये बंदा, जिसके वैनम कॉमिक यूनिवर्स में एक अलग दुनिया है। दरअसल इसकी हिस्ट्री ये है कि ये एक नॉर्मल सोल्जर ही होता है जो वियतनाम वॉर में अधमरा हो जाता है, और तब निक फ्यूरी इसे जीने का एक और मौका देता है, एक एंशियंट एलियन सिम्बियोट से फ्यूज होने का मौका देता है, तब जाके ये जिंदा रहेगा, और ये वैसा ही करता है। और यहाँ इसका नाम पड़ता है रैक्स स्ट्रिकलैंड। शुरू में तो खूब मजा आया इसे ये सिम्बियोट पावर के साथ, लेकिन ये सिम्बियोट इसके कंट्रोल में नहीं था और कई बार गंदे काम करवाता था, यानी इंसानों को खिलवाया करता था, जस्ट लाइक वैनम। बट वैनम में एडी का ठीक ठाक कंट्रोल है। रैक्स स्ट्रिकलैंड का कोड नेम टेरेनासोरस पड़ा था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब देखते हैं बाबा वैनम द लास्ट डांस में क्या ये भी सिम्बियोट खेलेगा वैनम से टैकल करते वक्त, वो देखते हैं बाबा मूवी में। दूसरा स्टीफन ग्राहम उर्फ डिटेक्टिव पैट्रिक मॉलिगन इस पार्ट में भी देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली इनका होना जरूरी भी है, क्योंकि लेट देयर बी कार्नेज में ये बंदा भी सिम्बियोट इफेक्टेड हो जाता है लास्ट में, जो हमने देखा। ब्लू आइज दिख रही होंगी इसकी, जो हिप्नोटाइज भी कर रही होंगी। तो बाबा इसके सिम्बियोट की बात करें तो मॉलिगन के सिम्बियोट को टॉक्सिन कहते हैं, और कहते हैं कि टॉक्सिन वैनम और कार्नेज से भी ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट है। तो इसका भी रोल देखते हैं बाबा मूवी में क्या होने वाला है। ऑल्सो हमें ओटो हाई टावर भी देखने को मिला है। तो ओटो हाई टावर, जिसे नहीं पता है, हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो खासकर फॉलोअर है मेरे चैनल का, भाई उन्हें तो पता ही होगा। नहीं देखा है तो बाबा हाउस ऑफ द ड्रैगन से बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, जाओ उन्हें भी देखो, आपको पता चलेगा एंड रियलाइज होगा कि ओटो हाई टावर कौन है और इसका क्या रोल होने वाला है यहाँ पर, यानी वहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन्हें मैं आपको बता दूं, अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी आपने देखी है तो डॉक्टर कट कॉर्नर्स का रोल प्ले किया था, यानी लिजार्ड जो विलेन का रोल प्ले किया था। तो यहाँ वैनम 3 में भी क्या रोल हो सकता है इसका, वो देखते हैं बाबा मूवी में। बाकी वैनम 3 में नल के साथ क्या वाकई में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, क्योंकि उसे ज़्यादा स्क्रीन नहीं दी जाएगी। तो नल इन फ्यूचर हमें और कहाँ देखने को मिल सकता है? बाबा टॉम हार्डी बार बार ये बंदा कह रहा है कि वैनम सीरीज इस ये मूवी इसकी लास्ट होने वाली है, इसके बाद ख़त्म। तो सीधा सीधा एक ही
यही सारा जाता है कि स्पाइडरमैन 4 में, और यस स्पाइडरमैन 4 का लोचा वही मल्टीवर्स वाला चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो सकता है। बाकी हम सिर्फ थ्योरी एंड एज्यूम कर सकते हैं बाबा, यही हमारे पास पावर है बस, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मेकर क्या सोच के बैठे हैं वो बाबा वेनम 3 मूवी देख कर ही आइडिया लग जाएगा। तो देखते हैं बाबा मूवी में और क्या मिलता है, उसके बाद ढेर सारी थ्योरीज और भी निकल कर आएंगी जिन पर बातें करेंगे, उन्हें डिकोड करेंगे और फिर मज़ा भी आएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना, और क्या ये वाकई में इन्फॉर्मेटिव रही है आपके लिए। अगर आपने मूवी देख ली है और आपको समझ में आया, कुछ लिंक कनेक्शन हुआ है, तो यस जरूर बता सकते हैं बाबा, अप्रिसिएट जरूर कर सकते हैं, उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जिनको वेनम 3 मूवी समझनी है, बस थोड़े से समय में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं बाबा किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलो यहाँ तक पहुँच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।